कच्चे आम का सीजन चल रहा है और बहुत ही भरपूर मात्रा में अलग अलग वैरायटीज में कच्चा आम जो है वो मार्केट में अवेलेबल है। तो अचार तो आप सभी बनाते होंगे ना कच्चे आम से। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कच्चे आम का लच्छे वाला अचार, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है, बहुत ही ईजली बन जाता है, न धूप में सुखाने का झंझट है और ना ही इसके खराब होने की कोई टेंशन होती है। तो आज हम जो अचार बनाने जा रहे हैं उसको आपको न धूप लगानी है ना ही ये बिल्कुल खराब होगा। आप इजली इसको 1 से 2 साल तक स्टोर करके रख पाएंगे। तो चलिए कच्चे आम का ये मसालेदार, चटपटा और बहुत ही बढ़िया सा अचार बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैंने 2.5 किलो कच्चे आम लिए हैं और एकदम फ्रेश और टाइट आम लेने हैं आपको अचार बनाने के लिए। सबसे पहले आपको ये बात को ध्यान रखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आम का ये जो ऊपर वाला पार्ट है ना, इसको हम कट करके हटा देंगे। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर का पार्ट हटाने के बाद ये जो चिपचिपा सा पानी निकल रहा है ना इसमें से, इसको हमें हटाना है। इसलिए मैंने आम को अभी धोया नहीं है। तो पहले हम सारे आमों का ये ऊपर की तरफ का जो पार्ट है इसको कट कर लेंगे, उसके बाद आम को अच्छे से रगड़ रगड़ के धोएंगे, जिससे कि ये जो चिपचिपा पदार्थ निकल रहा है ना इसमें से, ये बिल्कुल हट जाएगा। तो सारे आमों के हमने ऊपर का जो पार्ट है उसको हटा दिया। अब हमें लेना है एक बड़ा बोल और उसमें लेंगे हम एकदम साफ पानी। अब पानी में हमें आम को डाल करके अच्छे से रगड़ रगड़ के धोना है, जिससे कि जो चिपचिपा सा पानी निकल रहा था ना वो बिल्कुल हट जाए। तो अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के बढ़िया से धोते जाएंगे और आम को धोने के बाद इसको हमें साफ सूखे कपड़े से अच्छे से पोंछ लेना है। तो इसी तरीके से हमें सारे आमों को धोकर और पोंछकर अलग रख लेना है। धोकर पोंछने के बाद देखिए आम जो है वो अच्छे से साफ हो गए हैं और जो चिपचिपा पानी सा भी निकल रहा था ना इसमें से, वो अब नहीं निकल रहा है। तो अभी हमें इनको 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा लेना है, जिससे कि जो थोड़ा बहुत भी पानी इनमें रह गया होगा वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा, बिल्कुल सूख जाएगा। तो जब तक आम सूख रहे हैं तब तक हम अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक पैन में हम डालेंगे 2 बड़े चम्मच सौंफ, 2 बड़े चम्मच जीरा, 1 बड़ा चम्मच अजवाइन, 2 बड़े चम्मच मेथी दाना, काली वाली राई मैंने यहाँ पे ली है 2 टेबल स्पून, और ये जो येलो मस्टर्ड सीड्स हैं यानी कि पीली वाली जो सरसों होती है वो मैंने ली है 5 टेबल स्पून, साबुत धनिया हम इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून, और यहाँ पे ये मैंने ले ली है कुछ सूखी लाल मिर्चें 5 से 6 ली हैं, ये डाल देते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें मीडियम लो फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए रोस्ट कर लेना है। मसालों को अच्छे से रोस्ट करके और उसके बाद अचार में डालने से अचार में जो मसालों का फ्लेवर है वो बहुत ही बढ़िया आता है, और मसालों को रोस्ट कर लेने से मसालों का जो मॉइस्चर है वो ख़त्म हो जाता है। तो जो अचार है वो जल्दी ख़राब नहीं होता है, लंबे समय तक टिकता है। और जो मसाले हैं ना इनको हमें बस 2-3 मिनट के लिए ही सेकना है, ओवर रोस्ट नहीं करना है। बहुत ज़्यादा खुशबू आने तक या इनका कलर चेंज होने तक हमें इनको रोस्ट नहीं करना है, बस 2 से 3 मिनट के लिए हम इनको रोस्ट करेंगे, जिससे कि इनका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। तो अभी मसाले जो हैं वो अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, गैस को हमें ऑफ कर देना है और इनको एक थाली में हम निकाल लेंगे और इनको बिल्कुल ठंडा होने देंगे। जब मसाले बिल्कुल ठंडे हो जाएं तभी इनको ग्राइंड करें, गरम गरम में मसालों को ग्राइंड नहीं करना है। तो मसाले जो हैं वो ठंडे हो गए हैं, इनको अब हम डाल देंगे मिक्सर जार में, साथ ही में हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर मैंने यहाँ पे ली है 5 टेबल स्पून, इसको डाल देंगे। अब ये जो सारे मसाले हैं इनको हमें दरदरा ग्राइंड करना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। तो ये जो सारे मसाले हैं ये हमने अच्छे से बढ़िया दरदरे ग्राइंड कर लिए हैं, एकदम पाउडर नहीं बनाया है इनका। अब एक पैन में हम 2.5 कप सरसों का तेल गरम करेंगे। अचार के लिए आप हमेशा सरसों के तेल का ही इस्तेमाल करें। जो सरसों का तेल है वो अचार के स्वाद को और भी ज़्यादा बढ़ा देता है, लेकिन अगर आपको सरसों का तेल पसंद नहीं है या फिर आपको सरसों का तेल सूट नहीं करता है तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं अचार बनाने के लिए। तो अभी तेल को हमें बढ़िया सा धुआं आने तक अच्छे से गर्म कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि तेल में से बढ़िया धुआं आने लगा है। तो अभी हमें गैस को ऑफ कर देना है और तेल को अभी हम थोड़ा सा ठंडा होने देंगे। तेल अब थोड़ा सा ठंडा हो गया है तो अभी हम इसमें 1 टीस्पून हींग डाल देंगे। हींग जो है वो गरम तेल में ही पक जाएगी, लेकिन जब तेल बहुत ज़्यादा गरम रहे तब आप हींग इसमें न डालें, वरना जो हींग है वो जल जाती है। इसलिए जब तेल का टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हो जाए तब आप हींग डालें, तो जो हींग है वो अच्छे से पक जाएगी या जलेगी नहीं। तो अब तेल को हमें बिल्कुल ठंडा होने देना है।
तो कच्चे आम को हमने 1 घंटे के लिए पंखे के नीचे सुखा लिया। अब हम इसको कद्दूकस करेंगे। तो कद्दूकस के जो बड़े वाले छेद होते हैं ना, उससे हमें इनको अच्छे से कद्दूकस कर लेना है। मैंने आम को छीला नहीं है, छिलके के साथ ही मैं इनको कद्दूकस कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आम को छील करके उसके बाद भी उसको कद्दूकस कर सकते हैं। ये जो लच्छे वाला अचार हम बना रहे हैं ना, इसका टेस्ट बहुत ही बढ़िया आता है। इसको बनाने में कोई झंझट नहीं है और इजिली बन करके तैयार हो जाता है। और आप इस अचार को आराम से 1 से 2 साल तक स्टोर भी कर सकते हैं, पूरी पराठों के साथ, दाल चावल के साथ। ये बहुत ही बढ़िया लगता है। और गरम गरम अगर आप सिंपल पराठे बना लेना और उन गरम गरम पराठों को आप सिंपली इस अचार के साथ खाएंगे तो आपको बहुत ही मजा आएगा। आपको किसी भी दाल सब्जी वगैरह की कमी महसूस नहीं होगी। ये अचार इतना ज्यादा बढ़िया लगता है खाने में, तो आप एक बार इस अचार को ट्राई जरूर कीजिएगा बना करके। तो पूरे आम को हमने देखिए कद्दूकस कर लिया है और आप देख सकते हैं कितने बढ़िया लच्छे जो है वो आम के बने हैं। ये ली है मैंने 50 ग्राम हरी मिर्च। इनके ऊपर की टोपी यानी कि डंठल को हमने हटा करके अच्छे से हरी मिर्च को धो करके पंखे के नीचे सुखा लिया था, जिससे कि इनका जो मॉइस्चर है वो खत्म हो गया है। इनको इस तरह से लंबा लंबा कट करके हम इसमें डालते जाएंगे। अगर आपको अचार बहुत ज्यादा चटपटा पसंद है तो आप इसमें हरी मिर्च की मात्रा को बढ़ा सकते हैं, पर मैंने यहाँ पे 50 ग्राम ही हरी मिर्च ली है। अब जो मसाला तैयार किया था वो इसमें डाल देंगे। 6 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। अब कलौंजी हम इसमें डाल देंगे 1.5 टेबल स्पून। सारी चीजों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अब हम इसमें तेल डाल देंगे। तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब वापस से हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसको हम ढक करके 1 से 2 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, जिससे कि सारे मसालों का जो फ्लेवर है ना वो आम के साथ में अच्छे से मिक्स हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा अचार में मसालों का। तो 1 से 2 घंटे के लिए ढक करके इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। 2 घंटे बाद एक बार हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तेल जो है वो अचार में कम लग रहा था, तो मैंने पहले से ही 1 कप तेल गरम करके और ठंडा करके रख लिया है। वो तेल हम इसमें डाल देते हैं। वापस से एक बार अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। अगर आप कम तेल में इस अचार को बनाना चाहते हैं तो आप थोड़ा सा विनेगर भी इसमें ऐड कर सकते हैं। अगर आप इसमें विनेगर ऐड कर देंगे तो आपको और ऑयल डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैं इसमें विनेगर नहीं डाल रही हूँ, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा और तेल डाल रही हूँ, जिससे कि जो हमारा अचार है वो साल भर तक चले और बिल्कुल भी खराब ना हो, इसमें फंगस ना लगे। इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डाल दे रही हूँ। अचार में तेल थोड़ा ज़्यादा रहता है तो अचार जो है वो बहुत लंबे समय तक चलता है और ख़राब नहीं होता है। तो अभी हमने अच्छे से मिक्स कर लिया सारी चीज़ों को और हमारा अचार देखिए कितना बढ़िया है। तेल भी इसमें एकदम परफेक्ट है और अचार का कलर बहुत ही बढ़िया लग रहा है और इसमें से बहुत ही बढ़िया खुशबू आ रही है। अब ये मैंने एक कांच का जार ले लिया है। इसको मैंने अच्छे से धोकर पोंछकर धूप में 2 घंटे के लिए सुखा लिया था, जिससे कि ये स्टेरिलाइज हो गया है। तो इस जार में हम अचार को भर करके रख लेते हैं और इस अचार को आप साल भर तक आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया लगता है ये खाने में, दाल चावल पूरी पराठों के साथ तो मजा ही आ जाएगा। तो आप भी इस तरीके से कच्चे आम का ये लच्छा अचार बनाइए। यकीन मानिए आपके घर में ये सबको बहुत पसंद आएगा और आप इसको इजीली स्टोर करके भी रख पाएंगे। तो ट्राई जरूर कीजिएगा इस रेसिपी को और शेयर कीजिएगा अपने एक्सपीरियंस मेरे साथ कमेंट्स बॉक्स में। रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।